हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कारा माजू सरकारी नौकरी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट नंबर 9 और आज की हमारी डिस्ट्रिक्ट है हिसार। और इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर HSC ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको हर दिन डिस्ट्रिक्ट मिसलेनियस क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन और 100 मॉक टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। हर मॉक टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन कवर अप होंगे, इससे कि अपने 3000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी जज होती रहेगी। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल कारा माजू सरकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को रेड को दबाना है और घंटा को बता देना है, इससे कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों समय समय पर मैं आपको हर जॉब की अपडेट न्यूज़ भी देता हूँ और शुरू करता हूँ। और एक और दोस्तों, आज रात 8 बजे आपको लाइव आना है और मैं भी लाइव आऊँगा और आपसे एक सरप्राइज़ आपके लिए, वो सरप्राइज़ आपको लाइव 8 बजे पता चलेगा। तो दोस्तों शुरू करता हूँ आज की हमारी वीडियो नंबर 9 और जिसका नाम है हिसार। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कि हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है हिसार। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा 7 जिलों में था, जिनमें सबसे बड़ा जिला था हिसार और अगर सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए तो वो होगा आपका जींद। नेक्स्ट, स्थापना 1 नवंबर 1966 दिल्ली, मैम आसी हिसार फतेहाबाद सिरसा, NH हिसार 65 जो कि NH 9 कोई वर्तमान में 9 कहा है, दोनों राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। नेक्स्ट, हिसार को इस्पात नगरी या स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, हिसार भारत का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है, हिसार में है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। हरियाणा का ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, एक छोटा सा सिलेबस है और वहीं से ही आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। हरियाणा जीके की करंट भी मैं कराऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हिसार भारत का सबसे बड़ा जस्ती उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक गर्मी हिसार में पड़ती है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री हिसार में है और प्रमुख इसका है नवीन जिंदल, जो हरियाणा का स्टील किंग भी इसे कहा जाता है। सोरा खनिज हिसार में मिलता है। नामकरण, हिसार का नामकरण पाणिनि नामक ऋषि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में इशुकार नामक से एक स्थान का उल्लेख किया है, जिसमें इतिहासकारों द्वारा हिसार का प्राचीन नाम माना जाता है। नेक्स्ट, हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार में 4 प्रमुख दरवाजे हैं, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तालकी गेट। दोस्तों मैं बात और बताऊं कि आपको जितने भी मैं डिस्ट्रिक्ट करा रहा हूं, आपको 22 डिस्ट्रिक्ट कराऊंगा, इसके हर क्वेश्चन अपडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन सतु व अवशेष हिसार के फतेहाबाद, प्राचीन स्थल राखी गढ़ी और शीशवाल हिसार में है। नेक्स्ट, शेख जुनेद की मज़ार हिसार में है। नेक्स्ट, गुजरी महल हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए 14वीं सदी में यह महल बनवाया था। नेक्स्ट, इस महल के एक स्तंभ पर 8 भी लेख हैं। लाट की मस्जिद हमें कहाँ मिलती है, हिसार में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, 23 जुलाई 1919 को हिसार के रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों महात्मा गांधी की जो पलवल में गिरफ्तारी थी वो शायद 10 अप्रैल 1919 को, जो कि उनकी पूरे भारत में पहली गिरफ्तारी थी। मैं आपको और बता देता हूँ कि मैं इसके साथ आपको एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट, 1857 का नेतृत्व मोहम्मद आजम, सर्वप्रथम हिसार में कांग्रेस की स्थापना 1887 को की थी किसने, लाला लाजपत राय। आर्य समाज की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने की थी हिसार में।
सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला हिसार। नेक्स्ट, दो विशेष पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? हिसार और फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हिसार में मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। नेक्स्ट, आसी प्राचीन नाम आसी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, आसी में सर्वप्रथम एक टकसाल स्थापित हुई जहाँ सिक्के गड़े जाते थे। नेक्स्ट, आसी एकमात्र पुलिस जिला अब पहले था दोस्तों, अब आसी के साथ साथ गुरुग्राम का मानेसर पुलिस जिला भी घोषित कर दिया गया, इससे कि हरियाणा में 24 पुलिस जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट, आसी की स्थापना भी आपको एग्जाम में पूछ लिया तो उसका क्वेश्चन रहेगा आसाराम नामक एक जाट। अग्रोहा, अग्रोहा के बारे में बात में पता चला है कि यहाँ अग्र गणराज्य मौजूद था जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति भी कहाँ से मिली? अग्रोहा से। नेक्स्ट, अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन ने बसाया था और प्राचीन नाम अग्रोहा का अग्रोदका था। दोस्तों काफ़ी कम टाइम है ग्रुप डी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएं। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़गांव हिसार में है, उद्घाटन मनमोहन ने की थी, शुरुआत उसकी थी हुई थी 24 अगस्त 2010, रिलायंस ने इसे बनवाया था, लागत आई थी इसकी 4512 करोड़ और 1200 मेगावाट का इसकी क्षमता है। नेक्स्ट, ब्लूबर्ड पर्यटन स्थल हिसार में है, सुअर बेड प्रजनन केंद्र हिसार में है, बैस अनुसंधान संस्थान 1985 में बना ये हिसार में है। नेक्स्ट, अश्व अनुसंधान 1986 में ये भी हिसार में है। नेक्स्ट, आकाशवाणी हिसार 26 जनवरी 1999 को जो कि हमारा आखिरी आकाशवाणी केंद्र है, इसे और मैं बता दूं हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, पहला रोहतक में है, दूसरा कुरुक्षेत्र में है और तीसरा आपका हिसार में है। हिसार दूरदर्शन हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है हिसार, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 हरियाणा का एकमात्र है, इसका उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज जो कि उस टाइम में प्रसारण मंत्री थी, अब फिलहाल हरियाणा की विदेश मंत्री है, सॉरी हरियाणा की पूरे भारत की अपनी। 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारत उदय ग्रामीण की शुरुआत जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है, उसकी शुरुआत हमारे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, हरियाणा स्टेट के हिसार डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम वर्षा हिसार और सिरसा, दोस्तों हिसार सिरसा में भी पूछ लिया जाए तो आपका सिरसा करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यही सवाल आपका लैब अटेंडेंट के एग्जाम में हुआ तो कई बच्चों ने हिसार आंसर किया लेकिन आंसर हिसार को नहीं मानते हैं हमारे HSC वाले, वो सिरसा को बेहतर और कम वर्षा का कारण मानते हैं, तो सिरसा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 ये 7वें प्रधानमंत्री की सोच पर बनाया गया था और ये 1970 में बना है। JJU गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उद्घाटन भजनलाल, इसका वाइस चांसलर टंकेश्वर लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010। अब बात करता हूँ हरियाणा के प्रमुख हरियाणा स्टेट के हिसार के मेले, नवरात्रि का मेला बनगोरी पंच ये है अपना हिसार में, शिव जी का मेला किरमारा हिसार में, कालो देवी का मेला आसी हिसार में, अग्रसेन का मेला अग्रोहा हिसार में। अब बात करूँगा दोस्तों प्रमुख व्यक्ति साइना नेहवाल, बैडमिंटन में ये वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने 2012 में कांस्य पदक लिया था और हाल में ही इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्रा जी ग्रुप का अध्यक्ष है, जेड ग्रुप दोस्तों, जेड सिक्योरिटी है उसका ग्रुप का अध्यक्ष है। यशपाल शर्मा और नवीन जिंदल, यशपाल शर्मा आपको पता ही होगा कि अभिनय है और नवीन जिंदल की पत्नी सालू जिंदल प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्ययान है। कुलदीप बिश्नोई मास्टर चंदगी राम कुश्ती सिसाया गांव है, 2 बार भारत केसरी व हिंद केसरी कावड़ मिल चुका है और सिसाया गांव हरियाणा में सबसे बड़ा गांव सिसाया गांव है जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है।
1979 में अर्जुन अवार्ड मिला। मास्टर चंदगी राम की बात है दोस्तों ये। 1971 में पद्मश्री, लाला अर्देई कहाँ कहाँ सात रोड का। 1936 में इन्होंने ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था, और कहाँ से हैं ये, हिसार से। जय भगवान, ये हिसार से हैं। ये वार्स ये गीति का जाखड़ है दोस्तों। कुश्ती में है विकास कृष्ण यादव, ये वैसे तो हिसार का है लेकिन हाल ही में ये भिवानी रह रहा है। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो, पूजा ढांडा कुश्ती, मल्लिका शेरावत हिसार, अनिता कुंडी कुंडू फरीदपुर उकलाना में है। माउंट एवरेस्ट पर चीन नेपाल दोनों तरफ से चढ़ने वाली पहली महिला है ये। हरियाणा यहाँ के हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, और सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला आपका हिसार है, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो पंचकुला, मात्र 2 हिसार। हिसार से कमल गुप्ता, आसी से रेणुका बिश्नोई, आदमपुर तक कुलदीप, बरवाड़ा तक वेद नारंग, उकलाना तक अनूप दानक, नलवा तक रणवीर गंगवा, रनानोड तक कैप्टन अभिमन्यु जो कि हमें वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। जिंदल पार्क 1960 के दशक से हिसार प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सर्वाधिक थी। 1960 में की बात है दोस्तों, अभी नहीं, 1960 की बात थी। सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला है। तो दोस्तों हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट है जो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आज रात 8 बजे लाइव आना ना भूले, आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। और ज़्यादा से अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप फिर अब नए हो, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जहाँ शेयर कर सकते हो, आपके व्हाट्सअप ट्विटर जो भी सोशल अकाउंट है वहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को कमेंट में आपको ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी है, और मैं जब भी वीडियो डालूँ हूँ कोई भी, मैंने जैसे प्रैक्टिस सेट की वीडियो डाली थी उसमें आप कमेंट नहीं करते दोस्तों, एक तो कमेंट कीजिए, अपना स्कोर बताइए, और आप डिस्कस भी कर सकते हैं। जैसे कि एक मेरे दोस्त ने NH नेशनल हाईवे पे एक वीडियो बनाने को कहा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आज या शाम को अपलोड कर सकता हूँ दोस्तों, तो देखना मत बोले, और आज रात 8 बजे आपका ऑनलाइन आना है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।